अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आबिदा इदरीसी। आज देखिए मैं बनाने जा रही हूँ मटन दो प्याज़ा, और ये जितनी टेस्टी रेसिपी होती है उतनी ही आसानी से बन भी जाती है। चलिए गैस ऑन करते हैं। मैंने इस पर कुकर रखा हुआ है और इसमें ये बहुत जल्दी बनता है। आप अगर कोई कढ़ाई या कोई पैन लेते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास जो हो उसमें आप बना लें, टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब देखिए हम इसमें तेल डालेंगे। तेल आप अपने हिसाब से डालें, मैं आधा कप के बराबर डालूंगी। तेल आप सरसों का भी ले सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बनता है। अभी हम तेल गर्म कर लेंगे। देखिए मैंने चार लौंग लिया है और दो बड़ी इलायची है, दो छोटी इलायची और दो दालचीनी के टुकड़े हैं और दो से तीन तेज़पत्ता है। अब हम इसको तेल में डाल देंगे। इसको हम हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए मैंने प्याज ली है जो कि एक किलो है। एक किलो मटन के लिए हम एक किलो प्याज लेंगे और इसको मैंने पतला पतला काट लिया है। आप चाहे तो प्याज कम भी ले सकते हैं, हमें इसको गुलाबी नहीं करना है। बस ये हल्की सी नरम हो जाए तेल में, बस उतने ही तक हम इसको पकाएंगे। आप एक किलो मटन के लिए एक किलो प्याज ले सकते हैं। चलिए हम इसको एक मिनट तक नर्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए हमारी प्याज एक मिनट तक गल के आधी हो गई। देखिए मैंने मटन लिया है एक किलो, इसको मैंने 6-7 पानी से अच्छी तरह धुल लिया है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम ढककर कम से कम एक मिनट तक इसको होने देंगे। देखिए एक मिनट हो चुका। अब हम इसमें देखिए मैंने चार सूखी मिर्ची ली है, ये ऐड कर देंगे। और मैंने तीन हरी मिर्च ली है, इसको भी ऐड कर देंगे। ये काली मिर्च है, आधे चम्मच के करीब होगी। हम ये भी ऐसे खड़ी डाल देंगे। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है दो चम्मच। और ये मैंने कुछ खड़े लहसुन लिए हैं, आप चाहे तो पूरा पीस के डाल लें, लेकिन इसका भी फ्लेवर अलग लगता है। और ये मैंने गरम मसाला लिया है एक चम्मच। और मैं पहले भी हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल चुकी हूँ, इसीलिए
ये 1 चम्मच मिर्च का पाउडर है, अगर आप तीखा कम खाते हो तो आप कम कर लें, 1/2 चम्मच डाल लें। और ये मैंने ली है हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, बस 2 चुटकी के बराबर, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें आधे कप के करीब पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह पूरे मसाले को मिक्स कर लेंगे इसमें। और इसमें 1/2 कप और पानी डाल देंगे, पूरा मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है। अब इसको हम ढक्कन लगा के, अब इसमें जब 1 सीटी आ जाती है फिर उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो पे करके इसको 10 मिनट तक पका लेंगे। जब तक ये होता है तब तक हम जीरे को भून लेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया, 2 चम्मच के करीब जीरा लिया हुआ है, इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे और फिर मिक्सी में पीस लेंगे। इससे जो हमारा मटन दो प्याजा है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए जीरा हो चुका, इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए मैंने 10 मिनट बाद इसको बंद कर दिया था और इसका प्रेशर भी निकल गया है। अब इसको हम देख लेते हैं, देखिए हमारा मटन दो प्याजा लगभग हो चुका है। अब इसको हम देख लेते हैं कि गला हुआ है कि नहीं। देखिए गल भी चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह इसी तरह चला लेंगे ताकि जितने प्याज है सब इसी में मिक्स हो जाए। अगर आपको ग्रेवी और चाहिए तो इसमें और पानी डाल लें। अब हम इसमें डालेंगे ये भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। और इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 20 सेकंड के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। देखिए 20 सेकंड हो चुका और जो हम ऊपर से जीरा भून के डाले हुए हैं उसका फ्लेवर बहुत ही मस्त आता है। देखिए मेरा मटन दो प्याज़ा बन के तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मेरा मटन दो प्याज़ा बन के तैयार है, आप ट्राई करें इसको और देखिए बताइए कैसा आपका बना।
चलिए फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय।